दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 3,42,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,45,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,18,00,000 से ज्यादा लोग फिलहाल ठीक हो चुके हैं। वहीं बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐलान किया गया कि सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए जनवरी से ज़मीनी स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी और खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन का दोबारा ट्रायल शुरू करने को हरी झंडी मिल गई है। वहीं भारत ने रूस की कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। अब जल्द ही भारत को रूस की तरफ से इस वैक्सीन की डिलीवरी कर दी जाएगी। चीन की कंपनी शेंजेंग इंफोटेक और झिनहुआ इंफोटेक पर भारत में जासूसी करने का आरोप लगा है। शेंजेंग इंफोटेक कंपनी ये जासूसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए कर रही है। इस कंपनी का काम दूसरे देशों पर नजर रखना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की सरकार 10,000 से ज्यादा भारतीय लोगों और संगठनों पर नजर रख रही है। चीन की कंपनी के भारत में डेटा जासूसी मामले पर सरकार ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की निगरानी में सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। ये कमेटी 30 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में चीन के राजदूत के सामने चीनी कंपनी शिनहुआ इंफोटेक के जासूसी करने का मामला उठाया। चीन की कंपनियों के भारत के कुछ नेताओं की जासूसी करने की खबरों के बीच सरकार ने बुधवार को इस मुद्दे को चीन के राजदूत के समक्ष उठाया। ये जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल को एक पत्र लिखकर दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को इब्सा यानी IBSA यानी इंडिया ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में उन्होंने कहा, मैं इस बैठक के आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री डॉक्टर नालेदी पेंडोर और ब्राजील के उपमंत्री अम्बेसडर फेबियो मरजोनो का धन्यवाद अदा करता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर मंत्रियों के संयुक्त बयान को पढ़ते हुए जयशंकर ने कहा, हम इब्सा के 26 सितंबर 2019 के संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य को याद करते हुए एक ज़्यादा समावेशी, उत्तरदायी और सहभागितापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की मांग करते हैं। बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी कि ऑब्जर्वर के तौर पर भारत जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल हो गया। 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता की वर्चुअल बैठक के बाद भारत ने ये फैसला लिया। इस संगठन से भारत ऐसे समय में जुड़ा है जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए हर तरीके की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की काली सूची में डाले जाने के डर से बुधवार देर शाम संसद के संयुक्त अधिवेशन में पैसे और आतंकवाद से नेक्सस को तोड़ने के लिए जरूरी 3 विधेयक पारित कर लिए। पाकिस्तान फिलहाल जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है और अक्टूबर में पेरिस में होने वाली FATF की बैठक में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाले जाने पर विचार होना है। ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाना चाहता है कि वो आतंकवाद के खात्मे के लिए गंभीर है। इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के लिए अहम कदम बताया है।